हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोगों? भी ऑल वेल एंड गुड, और आपका भाई भी एकदम मस्त। सो गाइस, आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो यह आज हो रहा है ड्रैग रेस बिटवीन NS200 BS3 एंड NS200 BS6। आप लोगों ने इंट्रो में सिनेमेटिक्स वगैरह तो देख ही लिया होगा, ठीक है। तो ये अपना BS6 मॉडल और ये BS3, इसका कंडीशन भी एक नंबर मक्खन बना रखा है भैया ने। भैया आई बोल दो एक बार। हेलो। और ये अपना बाइक। सो गाइज, आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये बाइक जो है भैया का, ये 2015-16 मॉडल है और मेरा है 2020 मॉडल, ठीक है। तो आप लोगों को अब ड्रैग रेस में कंपैरिजन तो देखने को मिल ही जाएगा कौन सा बाइक में ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो गाइज, या अब हम लोग चलते हैं ऊपर। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे ड्रैग रेस, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ से वहाँ तक काफ़ी छोटा जगह है। तो ऊपर जाके वहाँ से हम लोग ड्रैग रेस स्टार्ट करते, तो चलते हैं गाइस, सीधा मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन में, और यहाँ पे राइट में अपने भैया जो रेडी हो चुके हैं, कैमरा एंगल वगैरह सेट कर रहे। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ड्रैग रेस इन 3, 2, 1, बूम 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 बूम। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो विल्सन भैया, इन 3, 2, 1, ओके, लिसन टू दिस, 1, 2 and in 3 on we have to launch, okay? So let's start our machine. One, two. तो फर्स्ट अटेम्प्ट ने अपना BS6 ने BS3 को पीछे छोड़ दिया, और अब हम लोग राइडर चेंज करके फिर से ट्राई करेंगे। तो अब मैं चलाऊंगा वो वाला बाइक और भैया स्विच करेंगे ये वाला बाइक में। चलो गाइस, अब BS3 लॉन्च करते इन 1, 2 एंड 3। तो गाइज, आप लोगों ने ड्रैग रेस तो देख ही लिया, तो विनर भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा। एक्चुअली हम लोग विनर नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, क्योंकि राइडर्स भी थोड़ा मैटर करता है इस चीज़ में।
और मैं पहले चला रहा था BS6 और BS6 चलाते वक्त BS6 आगे निकल गया, और जब मैं चला रहा था BS3 तो BS3 आगे चला गया। तो पावर के हिसाब से बोलूँ तो इनिशियल पिकअप BS3 में बहुत ज़्यादा है। सो गाइज मैंने थोड़ा फुटेज चेक किया तो भैया का लॉन्चिंग भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं हुआ, तो भैया को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस देना पड़ेगा लॉन्चिंग के लिए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि राइडर अच्छा नहीं है, भैया बहुत सालों से राइड कर रहे हैं, लेकिन अब ड्रैग रेस वगैरह करने में थोड़ा आइडिया चाहिए ना, लाइक क्लच कैसे रिलीज करे और थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसे दे बोल के। तो गाइस पावर का बात करें तो BS3 में दिया गया है 24.5 BHP, और ये NS जो BS6 है इसमें आपका BHP आता है 24 BHP। हॉर्स पावर भी मैटर करता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा दिया गया है, और FI इंजन है, और ये कारपेटर इंजन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि BS6 अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत रिफाइंड इंजन है, बहुत अच्छा बनाया है बाइक, लेकिन BS3 में जो रॉ पावर है वो BS6 में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना विल्सन भैया, जो अपने अपोनेंट राइडर बोल सकते हो, तो विल्सन भैया आपका राय मुझे थोड़ा सा जानना है, और हमारे ऑडियंस को भी शेयर कर दीजिए। मेरा थोड़ा ये बाइक का जो स्टार्टिंग में होता है ना लॉन्चिंग हाँ। वो थोड़ा ख़राब है, इसीलिए मेरे से वो उतना मतलब ड्राइव होने पाया, लेकिन मतलब जैसे दौड़ाते मैंने वैसे तो खींचा बाइक को, लेकिन लॉन्चिंग बहुत इफेक्ट करता है ना ड्रैग रेस में, तो इसलिए लॉन्चिंग मतलब उतना अच्छा नहीं है मेरा, उसी वजह से शायद मैं हार गया। हारा नहीं, लाइक राइडर मतलब है, बाय बाय है, ऐसा हार जीत का बात नहीं है, लेकिन जो गाड़ी का कंपैरिजन था वो आज निखर के आ गया। BS3 और BS6 में एक्चुअली क्या होता है, सो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे YouTube में कि लोग दिखाते राइड करते ये विनर वो विनर, लेकिन इतना डिटेल्स में आप लोगों को कोई भी शेयर नहीं करेगा ये चीज़, तो यही चीज़ एकदम अच्छे से डिटेल में आप लोगों को समझाना था। सो गाइस यार आज का वीडियो यहीं तक था, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।